हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ अनुमारा। टुडे विल डिस्कस्ड अबाउट द हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ मोनिटरिंग द बेबी एंड नॉट लिविंग ऑन अटेंडिंग। बच्चे को कैसे मतलब उसी कोई एक्टिविटी कर रहा है, फीड कर रहा है, बात कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, उस पर उसको कैसे हैंडल करना है और कैसे उसको मतलब कि मोनिटर करना है और उसको नॉन अटेंडिंग नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये वाला टॉपिक जो है हम मतलब पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊँ क्योंकि मैंने डिटेल में पहले आपको बता दिया ये सारा टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, वॉश योर हैंड्स, मतलब कि सबसे पहले क्या है, जब बच्चों को हैंडल करना है, नहलाना है या मसाज करनी, कुछ भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके क्या है, उसको हैंडल करना है ताकि उसको जम्स ना लगे और उसकी इम्यूनिटी जो स्ट्रांग रहे। फॉर योर बेबी हेड एंड नेक, ठीक है, हमेशा बेबी के जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी हेड को और नेक को हमेशा सपोर्ट देनी चाहिए। ठीक है, सपोर्ट दे के उसको क्या है मतलब उठाना चाहिए बच्चे को। ठीक है, नेवर शेक योर न्यूबॉर्न बेबी इन द प्ले और द फ्रस्ट्रेशन, जब बच्चा टेंशन में हो जा, प्लेइंग कर रहा हो, खेल रहा हो, तो उसको क्या है ऐसे उठा कर शेक नहीं करना चाहिए बच्चे को। ठीक है, ऐसे हिलाना नहीं चाहिए जोर जोर से, इससे क्या है उसको SIDS मतलब कि शे उसको डेथ की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मेक श्योर योर बेबी सिक्योरली फेस्टर्ड इन टू, ठीक है, जब आप उसको कैरी करते हो, ठीक है, कार सीट वगैरह में बैठाते हो एक्टिविटी करवाने के लिए, तो मेक श्योर कि वो सिक्योर हो बिल्कुल, उसको गिरने के कहीं से भी कोई चांसेस ना हो। रिमेंबर दैट यू न्यूबॉर्न इज नॉट रेडी फॉर रफ प्ले, ठीक है, बच्चा क्या है थोड़ा न्यूबॉर्न जो बेबी है वो रफ प्लेइंग के लिए रेडी नहीं होता है। ठीक है, तो उसको क्या है सॉफ्टली एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। बॉन्डिंग एंड सूथिंग, ठीक है, इसमें बॉन्डिंग एंड सूथिंग में क्या है, जो पेरेंट्स होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स वगैरह होते हैं, जब वो बच्चे को अच्छे से मतलब के केयर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, बात करते हैं, मसाज करते हैं, उसको स्लीपिंग करवाते हैं, फीडिंग करवाते हैं, तो इससे क्या उसकी क्या बॉन्डिंग जो है वो फैमिली मेम्बर से, जब मदर से, पेरेंट्स से, वो अच्छे से हो जाती है। ठीक है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में वो आपस में आ जाती है और इससे क्या है उसकी अच्छे से इमोशनल ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट अच्छे से होती है। ठीक है, उसकी और उसके जो स्किल्स हैं, मेमोरी स्किल्स हैं, लर्निंग स्किल्स हैं, वो अच्छे से इम्प्रूव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्वेडलिंग, स्वेडलिंग में क्या है, स्वेडलिंग में ये बताया जाएगा कि विच वर्क वर्क सम बेबीज ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक्स इन अदर सूथिंग टेक्निक, फर्स्ट टाइम पेरेंट्स टू टीम प्रॉपर स्वेडलिंग इन बेबी आर्म्स क्लोज टू द बेबी एंड अलाउ टू सम मूवमेंट्स ऑफ लग। ठीक है, बच्चों को स्वेडलिंग मतलब ऐसे पकड़ना चाहिए कि बच्चा मतलब कि अपने जो हाथ पैर है वो अच्छे से मूवमेंट कर पाए उनकी। ठीक है, इसके अंदर क्या पॉइंट आते हैं, ठीक है, मतलब कि जो उसका ब्लैंकेट है वो अच्छे से मतलब उसको कवर अप उसके साथ करना चाहिए, ले द बेबी फेस अप द ब्लैंकेट, ठीक है, जो उसका फेस है वो ब्लैंकेट के ऊपर होना चाहिए, मतलब कि इसे बाहर निकला होना चाहिए। ठीक है, जो अच्छे से उसको सारे कॉर्नर से क्या लेफ्ट राइट सारे कॉर्नर से अच्छे से उसको क्या कवर अप करना चाहिए। ठीक है, बच्चे को क्या है अच्छे से मतलब कवर अप करके रखना चाहिए, अच्छे से उसको पकड़ के रखना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पकड़ेंगे अच्छे को तो इसको क्या है उसको हिप मतलब अगर गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा, उसको हिप डिस्प्लेसिया हो सकता है, मतलब कि उसकी हिप का कोई भी बोन जो कुछ ऐसे टूट सकता है। ठीक है, ऑल अबाउट डाइपरिंग, जब उसको डाइपर करते हैं बच्चे को, जैसे चाहे हम ड्राई डाइपर यूज़ करते हैं, जब वेट डाइपर यूज़ करते हैं। ठीक है, यू विल प्रॉब्ली डिसाइड बिफोर यू ब्रिंग योर बेबी होम वेदर यू विल क्लोथ और डिस्पोजल डाइपर। ठीक है, उसको क्या बच्चा क्या है छोटी उम्र में लगा बहुत टाइम में मतलब उसको डाइपर चेंज करना पड़ता है। ठीक है, बिफोर डाइपिंग, जब आप डाइपर आपने चेंज करना है, उससे पैसे क्या है पहले क्या है आपके पास सब कुछ मतलब होना चाहिए, जैसे मतलब कि सारे इन्ग्रीडियंट्स होने चाहिए आपके पास, थिंग्स होने चाहिए, जैसे कि डाइपर हो गया, चाहे वो क्लोथ हो या दूसरा हो, मार्केटिंग दूसरे वाला डाइपर डिस्पोजल डाइपर हो। ठीक है, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो बच्चे के लिए वो आपके पास चाहिए, डाइपर ऑइंटमेंट होनी चाहिए, पाउडर होनी चाहिए, डाइपर वाइप्स होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए कंटेनर में। ठीक है, ताकि हम बार बार हमें उठना ना पड़े। ठीक है, अच्छे से बच्चे को क्लीन करके ऑइंटमेंट लगा के पाउडर वगैरह लगा के बच्चे को क्या डाइपर जो प्लेस करवाना चाहिए। ठीक है, और जो डर्टी डाइपर है वो इमीडिएटली क्या थ्रो अप कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर हम जे अच्छे से उसको क्लीन अप करके अच्छे से उसको हाइजेनिक ये वाली प्रोटेक्शन देंगे तो बच्चा क्या है उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर सब चीज़ें वाइड हम करेंगे तो उसको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, डायपर रैश वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब उसको उसके जो है बच्चे को क्या है मतलब उसको जब डायपर वगैरह जनरल डायपर रैश से बचाने के लिए क्या है उसको फर्स्ट ऑफ बच्चे का जो जेनिटल पार्ट है अच्छे से उसको क्लीन करना है सोप एंड वाटर से। ठीक है, उसको बस उसको ड्राई करना है अच्छे से, उसमें आप जो क्या है मतलब के अगर आप क्लोथ डायपर यूज़ कर रहे हैं तो उसको अच्छे से वॉश कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से उसको हाइजेनिकली वॉश कर सकते हो, उसमें फ्रेगनेंस वाला डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हो, डिटॉल वगैरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, स्पॉन्ज बाथ क्या है, जो बच्चा जब छोटा है तो उसको स्पॉन्ज बाथ दी जाती है, सिर्फ उसको कपड़े से वार्म वाटर लेंगे, सॉफ्ट क्लोज या टिश्यू वगैरह लेंगे और उसको उसके सारे बॉडी पार्ट्स को हम अच्छे से क्लीन कर देंगे, सब नेक हो गया, टमी हो गया, जेनिटल पार्ट हो गया, लेग्स हो गया, फिंगर्स टो फिंगर्स हो गए, हैंड हो गया, फीट, सब कुछ हम उसको क्या कर देंगे।
अब टब बाथ में क्या है, जब बच्चा क्या नहाने के लिए रेडी हो तो अगर उसको नहलाना है तो क्या है, उसमें हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, जैसे टॉवल हो गया, सोप हो गया, वार्म वाटर होना चाहिए ठीक है बच्चे को, और उसके बाद क्या है ऑयल वगैरह होने चाहिए, सब कुछ हम यूज़ करके बच्चे को बाथ ही हमने सारा किया हुआ है ठीक है। ठीक है उसके बाद क्या है वाइल बाथिंग यू आर, ठीक है जब हम बच्चे को बात करवाते हैं तो क्या है बच्चे को हमेशा मतलब कि पकड़ के रखना चाहिए, उसको लीव मतलब के अकेला नहीं छोड़ना चाहिए ठीक है। इफ़ यू अगर आपको मतलब वो ज़रूरत पड़ गई है लीव करना है अपने बाथरूम तो आप किसी और को बोल सकते हो, या फिर बच्चे को क्या है टॉवल में टेक ऑफ कर लो, अच्छे से उसको कवर कर लो ठीक है, और जो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसकी केयर करनी है कि अच्छे से वो उतर ना जाए टाइम से पहले ठीक है। ये सब पॉइंट्स हम उस पर हम पेट्रोलियम जेलीज या ऑल मतलब के कुछ मतलब ऐसा थिकिंग जो लिक्विड चीज लगा सकते हैं हम उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड पे ठीक है। और बच्चे को क्या है मतलब अच्छे से डाइपर वगैरह पहना देना चाहिए बाथिंग के बाद, और उसको रैश वगैरह ना हो ठीक है। ये सारा हमने टॉपिक किया हुआ है, जो ये टॉपिक है इसी के अंडर भी ये आ जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा समझा दिया आपको, ये हमने सारा टॉपिक किया, आप लेक्चर चेक कर सकते हो ठीक है, देख सकते हो। ओके थैंक यू स्टूडेंट।